अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, बारिश के बाद गुजरनाले की ताज़ा तरीन सूरत हाल से हम आपको आगाह कर रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं लियाकताबाद के गुजरनाले पे, जहां पर मशीनें अपना काम कर रही हैं। आज हम आपको इसके बाद लंडी कोटल गुजरनाले की भी अपडेट देंगे और फाइव स्टार चौरंगी की, क्योंकि परसों बारिश हुई थी और बारिश के बाद क्या सूरत हाल रही, वो तमाम चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। शहर में कहीं कहीं भी पानी जमा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जिस टाइम बारिश हो रही थी उस टाइम तो थोड़ा बहुत पानी था, लेकिन बारिश बंद होने के बाद पानी की निकासी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त आप देख सकते हैं रोड बिल्कुल क्लियर है। तो अब हम आपको लंडी कोटल की सूरत हाल से आगाह करते हैं। ये इस वक्त हम मौजूद हैं लंडी कोटल गुजरनाले पर, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर तरक्याती काम तेज़ी के साथ जारी है और गुजरनाले को मोटर नाले में तब्दील किया जा रहा है। और अब ये जैसा कि हमने आपके साथ आपको बताया था कि गुजरनाला तकरीबन 26 किलोमीटर पर मुश्तमिल है और इसके दोनों तरफ जो है रोड भी निकलनी है 20-20 फुट की और 5 फुट का फुटपाथ है। तो काम काफ़ी बड़ा है और ये प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जहां पर इतने बड़े पैमाने पर तेज़ी के साथ काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इसके दोनों तरफ की दीवारें एक तरफ की मुकम्मल हो चुकी हैं और ये लेफ़्ट और राइट साइड पर जो दीवारें मुकम्मल हुई हैं ये बेसिकली सीवरेज की लाइनें इसमें डाली जाएंगी। अभी तो इधर फ़िलहाल पानी को ऐसे ही रवा करने के लिए छोड़ा गया है और जहां हम सेंटर में इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं ये मेन बरसाती नाला होगा और इसके लेफ़्ट और राइट साइड पर सीवरेज की लाइनें वगैरह डालने के बाद इसको कवर्ड कर दिया जाएगा और फिर रोड बना दिया जाएगा। तो हमने सोचा कि बारिश के बाद आपको गुजर नाले की अपडेट दी जाए। और ये सामने आप देख सकते हैं दूसरा पॉइंट है लंडी कोटल का, वहाँ पर भी मशीनें लगी हुई हैं, दो दो मशीनें लगी हुई हैं, काम तेज़ी के साथ जारी है। अब इसके बाद हम आपको फाइव स्टार चौरंगी ले चलते हैं, जहाँ पे आपको हम फाइव स्टार चौरंगी क्या सूरत हाल है और बारिश के बाद क्या कंडीशन रही, वो तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त हम लंडी कोटल चौरंगी से क्रॉस कर रहे हैं और ये क्रॉस करने के बाद हम फाइव स्टार चौरंगी वाला रोड जो है उस पर आ जाएंगे। और आपके इल्म होगा ये काम बहुत तेज़ी के साथ अमल में लाया गया। मेरे राइट साइड पर ये बरसाती नाला बनाया जा चुका है और इसकी अपडेट मैं आपको दे चुका हूँ। रोड भी मुकम्मल हो चुका है और ट्रैफिक भी अपनी रवानी के साथ चल रहा है। बारिश के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पानी इतना सा भी मौजूद नहीं है, क्योंकि सिस्टम ऐसा बनाया गया था कि बारिश के बाद जो है सारा पानी जो है जो मेरे राइट साइड पर बरसाती नाला चल रहा है जिसको कवर किया जा चुका है इसके अंदर चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जालियाँ दी गई हैं मेरे राइट साइड पे। और अब हम फाइव स्टार मेन चौरंगी पर पहुँचने वाले हैं और यहाँ की जो सूरत हाल है, जो बरसाती नाला बन रहा है और वो शिपोनर कॉलेज से होता हुआ आ रहा है। आपको मालूम होगा अगर जो कराची में रहते हैं कि जब बारिश होती थी तो कटी पहाड़ी से जितना भी पानी आता था वो तमाम फाइव स्टार चौरंगी पर जमा हो जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बारिश के बाद ऐसी सूरत हाल से दो चार नहीं होना पड़ा। क्योंकि ये जो आप नाला देख रहे हैं मेरे राइट साइड पर बरसाती नाला, इसमें सारा पानी चला गया। अब हम फाइव स्टार चौरंगी पर पहुंच चुके हैं और यहाँ की सूरत हाल देखते हैं। यहाँ जैसे कि मैं इधर की भी अपडेट दे चुका हूँ आपको, लेकिन अब मैंने सोचा बारिश के बाद बहुत से व्यूवर्स कह रहे थे कि इन तमाम जगहों की क्या सूरत हाल रही वो ज़रूर दिखाएं, तो मैंने सोचा आज आपको इन तमाम जगहों की अपडेट दे दी जाए। और इस वक्त हम पहुँच चुके हैं फाइव स्टार चौरंगी पर, यहाँ पर मशीनें मौजूद हैं और अपने काम में मसरूफ़ हैं। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमने आपको लियाकताबाद गुजरनाला, लंडी कोटल गुजरनाला और फाइव स्टार चौरंगी की अपडेट दी।
और साथ साथ हमने रूट की भी सूरत हाल से आपको और साथ साथ हमने रूट की भी सूरत हाल से आपको आगाह किया। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल पाक अमेजिंग ब्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होती है किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और पॉइंट पर। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।